एवरीवन के मनाचो, तो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कि ये मूवी ट्रिब्यूट है चैडविक बोसमैन को। ये मूवी उदय है नए ब्लैक पैंथर का। ये मूवी उदय है एक एंटी सुपर हीरो नमोर का। तो मूवी में टीचल अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, नहीं बताया जाता उसे हुआ क्या है, लेकिन प्रोबेबली कैंसर ही होगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट थॉर लव एंड थंडर में देखा जा चुका है। चूरी टीचाला की बहन आर्टिफिशियल बूटी बनाने में 29% सफल होती है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन क्वीन रेमोंडा खुद खबर देती है कि ब्लैक पैंथर वकांडा का राजा शूरी का भाई रेमोंडा का बेटा टीचाला नहीं रहा। कांडा शोक में होता है। हम टीचाला का फ्यूनरल देखते हैं, सारे उसे अंतिम ट्रिब्यूट देते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के कुछ देशों को लगता है कि वकांडा कमजोर हो गया है अपने किंग को खोने के बाद। तो वो एनसोंगो माली वकांडन आउटरीच सेंटर पे हमला करता है वाइब्रेनियम के लिए, लेकिन डोरा मिलाजीज के चलते वकांडा और वाइब्रेनियम इतना सुरक्षित है कि उस पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। क्वीन रेमोंडा जिनेवा स्विट्जरलैंड जाके अपनी ताकत दिखाती है कि वकांडा ने अपना रक्षक और राजा जरूर खोया है, लेकिन वो अपनी रक्षा करना जानता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि वाइब्रेनियम मीटोराइट सिर्फ वकांडा में नहीं बल्कि उसके पास अटलांटिक ओशन में भी गिरा था, जिससे वहाँ भी वाइब्रेनियम मौजूद है। और टीचाला के पूर्वज शमन योद्धा को चीते के रूप वाली देवी बस्त ने वाइब्रेनियम और जादुई बूटी तक पहुँचाया। उसी तरह नमोर के पूर्वजों को भी वाइब्रेनियम और जादुई बूटी के बारे में पता लगता है, जिससे उन्हें पानी में सांस लेने और रहने की ताकत मिलती है और वो अटलांटिक ओशन में ही बस जाते हैं और अपने किंगडम का नाम टेलुकन रखते हैं। अब नमोर टेलुकन में पैदा होने वाला पहला बच्चा होता है और वो टेलुकन वासियों से इतना अलग इसलिए होता है कि उसकी माँ ने जब जादुई बूटी पी तो वो उनके पेट में था, जिससे उसे टेलुकन वासी जैसी खूबियों के साथ साथ इंसानी खूबियां भी जिंदा रहीं। और वो एक म्यूटेंट भी है जिससे उसके पैर पर पंख है और वो उड़ सकता है। टेलुकन वासी नमोर को प्यार से कुकुलन कहते हैं, जिसका मतलब होता है पंख वाले नाग देवता। अब नमोर जितना ताकतवर और तेज पानी में है, उतना ही पानी से बाहर भी है। पानी नमोर की ताकत के साथ साथ कमजोरी भी है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब रीरी विलियम्स, जो कि हमें आयनार्ट सीरीज में आगे देखेंगी, वो एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाती है, जिसे अमेरिकी वाइब्रेनियम खोजते खोजते अटलांटिक ओशन में टेलुकन शहर तक पहुंच जाता है। लेकिन नमोर सबको खत्म करके पहुंचता है वकांडा। क्वीन रेमोंडा से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने वाइब्रेनियम के बारे में सारी दुनिया को बताया, जिससे वो सब वाइब्रेनियम खोजते खोजते टेलुकन तक पहुंचे। अब मुझे वो लड़की ला के दो जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया, नहीं तो मैं वकांडा के साथ साथ सारी दुनिया तबाह करूंगा। और यार, नमोर की धमकी कोई फुग्गा नहीं कि तुम फोड़ कर भूल जाओगे। वो कहते हैं ना कि एक सुपर हीरो सारी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें मार सकता है, लेकिन एक सुपर विलेन तुम्हें बचाने के लिए सारी दुनिया तबाह कर सकता है। इसके बाद सूरी और ओकोयो रीरी विलियम्स को खोजते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ सूरी रीरी विलियम्स को समझाती है कि उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर की वजह से कुछ ऐसे लोग उसके पीछे पड़े हैं जो उसे मार सकते हैं। सिर्फ वकांडा ही उसे बचा सकता है अगर वो उनके साथ चले तो। और यही हम लोग रीरी विलियम्स के पास टोनी स्टार्क के आर्मर के ब्लूप्रिंट्स भी देखते हैं। अब उसके पास ये सब कहां से आए, ये सब आगे आयनार्ट सीरीज में पता लगेगा। इसके बाद हम लोग एक ब्रिज पर वकांडन्स और टेलुकन्स को पहली बार लड़ते देखते हैं, और इस झड़प में टेलुकन्स रीरी विलियम्स और शूरी को टेलुकन शहर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद क्वीन रेमोंडा नाकिया से मदद मांगती है कि वो कई देशों में घुस चुकी है और वो टेलुकन जाके शूरी को बचाए। नाकिया टेलुकन जाके शूरी को बचाती तो है, लेकिन यहाँ एक टेलुकन लड़की मारी जाती है, जिसकी वजह से नमोर वकांडा को आधा तबाह करके कहता है कि मुझे वो लड़की दे दो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और यार, इस लड़ाई में तुम नमोर से नजर हटा नहीं पाओगे, उसके लड़ने का तरीके का मैं फैन हो गया। इस लड़ाई में क्वीन रेमोंडा रीरी विलियम्स को बचाते मारी जाती है और वकांडन लोग एम्बाकू के साथ जबारी कबीले के आसपास के क्षेत्रों में पनाह लेते हैं। अब शूरी ने सब कुछ खो दिया है, माँ, भाई, पिता, आधा वकांडा, लेकिन उसे अपने होश नहीं खोए, उसे बदला चाहिए था नमोर से, टेलुकन शहर से। तो वो प्लान बनाती है कि नमोर की ताकत पानी है, तो वो पानी के बाहर सांस कैसे लेता है। तो उसे पता लगता है कि नमोर पानी में जाके शरीर से पानी सोखता है और पानी के बाहर आके सांस लेता है। अगर उसे हराना है तो एक ऐसा ड्रायर बनाओ जो शरीर का पानी सुखा दे। शूरी ड्रायर के साथ साथ अपने भाई के डीएनए से वो आर्टिफिशियल बूटी बनाने में भी कामयाब होती है, जिसे खाकर शूरी एंसेस्टर में से किलमोंगर से मिलती है। किलमोंगर शूरी से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, तुम्हें भी बदला चाहिए, मुझे भी बदला चाहिए था। तो शूरी कहती है कि हम एक नहीं है, हम एक कभी नहीं हो सकते। और शूरी उठने के बाद बनती है ब्लैक पैंथर, और साथ ही रीरी विलियम्स ने भी अपना पहला वाइब्रेनियम सूट बनाया जंग के लिए। यहीं पर ओकोयो और अनेका ने भी अपना मिडनाइट एंजल सूट पहना पहली बार। अब मिडनाइट एंजल सूट शूरी के द्वारा बनाया एक ऐसा सूट है जिसे पहनने पर नॉर्मल इंसान में स्पीड, स्ट्रेंथ और उड़ने की ताकत आ जाती है। ये सूट पूरा वाइब्रेनियम का बना है, जिससे अर्थ की कोई चीज तो इसे हरा नहीं सकती। इसके बाद पूरी वकांडा सेना और ब्लैक पैंथर टेलुकन और नमोर पर हमला कर देता है। और मैं ये 200% बोल सकता हूँ कि एंडिंग की ये लड़ाई तुम्हारा दिल जीत लेगी। लड़ाई में ब्लैक पैंथर नमोर को हराता है। नमोर अपने पैरों का एक पंख होता है, लेकिन सूरी नमोर को छोड़ देती है, क्योंकि एक राज्य का राजा मरता है तो राज्य किस खतरे में पड़ता है वो शूरी जानती है। और नमोर तो टेलुकन के लिए कुकुलन है, पंख वाला नाग देवता। ब्लैक पैंथर और नमोर एक साथ आते हैं और जंग को खत्म करते हैं। वकांडा टेलुकन की
की रक्षा का वादा लेता है। अब शूरी वकांडा की नई रक्षक है या कहे ब्लैक पैंथर है और एम्बाकू वकांडा का नया राजा बनता है। इसके बाद हम लोग इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि शूरी किंग टिचाला के बेटे से मिलती है जिसका वकांडन नेम टिचाला ही होता है। वो किंग टिचाला और नाकिया का बेटा है और किंग टिचाला ये नहीं चाहता था कि प्रिंस टिचाला वकांडा के सामने आए, उसकी परवरिश गुप्ती होनी चाहिए। तो अब आगे जाके प्रिंस टिचाला ही वकांडा का राजा बनेगा और यही मूवी खत्म होती है। साथ ही मार्वल का फेज 4 भी इसी मूवी के साथ खत्म होता है और मार्वल का फेज 5 2023 की फरवरी से चालू होगा। तो चलिए यहीं अपना बोरिया बिस्तर समेटा जाए। वीडियो में आपको कहीं भी मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते बस इतना ही कि सब्सक्राइब द चैनल।